So, hello everyone, welcome to Zenith Guru Institute. My name is Shikhar and आज हम लोग physics में electricity chapter को continue करेंगे जो कि मैंने lecture number 2 में पढ़ाया था आप लोगों को electric potential and circuits का. तो ये अभी series हम लोगों की proper NCERT based होने वाली है, ठीक है. ये हम लोगों का पूरा lecture जो होगा proper NCERT based होगा, जिसमें हम लोग NCERT book के जो फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं उसके एक एक चीज को कवर करेंगे, वेदर इट इज एक्टिविटी, वेदर इट इज क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, कुछ भी, ठीक है. तो हम लोग सारी चीजें कवर करेंगे. तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी आप उसको मैं आपको बता दूंगा, आपको प्रॉपरली उसको फॉलो करना है. और जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स होंगी जहां से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बता दूंगा. तो आपको लगे हाथ उसको मार्क भी करना है, ठीक है. तो आप अपने साथ बुक लेके जरूर बैठे और एक नोटबुक लेके बैठे जिसमें कि जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा वो चीजें आपको वहां पे नोट करके चलनी है, ठीक है. तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि आपको क्या करना है. तो बी रेडी विद योर बुक एंड कॉपी. और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है. तो देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीजें को हम लोगों को सॉल्व करना है, राइट. चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर से स्टूडेंट्स. ठीक, ओके. सो यस, ओके, क्लियर है. चलिए ठीक है. तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, जो हम लोगों का टॉपिक है, ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ओम्स लॉ से, ठीक है. तो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, उसकी एक्टिविटीज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है. उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना. तो लास्ट टर्न में मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक सर्किट आपको एक्सप्लेन कर दिया था. तो मैं ये होप करता हूँ कि आप लोगों को वो चीजें याद होंगी, ठीक है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से. तो यहाँ पे देखा जाए कि अगर मैं एक चीज यहाँ पे देखो, एक एक्टिविटी आप लोगों को बताई गई है, ठीक है, रिगार्डिंग, यस, एक एक्टिविटी देखिए यहाँ पे बताई गई है. ये एक सर्किट बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं. ये एक सर्किट एक्सप्लेन किया गया है जहां पे ये जो है ये चीज, ये एक नाइक्रोम वायर है, ठीक है. यहां पे अगर आप इसको पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है कि सेट अप अ सर्किट एज शोन इन द फिगर कंसिस्टिंग ऑफ अ नाइक्रोम वायर एक्स वाई ऑफ लेंथ से 0.5 मीटर. यानी कि जो लेंथ है इसकी, जो निक्रोम वायर है इसकी लेंथ क्या है, 0.5 मीटर इसकी लेंथ है, राइट. एंड अमीटर वोल्ट मीटर एंड 4 सेल्स ऑफ ईच वोल्ट विच इज 1.5. अब देखिए ये यहाँ पे एक अमीटर लिखा हुआ है और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है. स्टूडेंट्स मैंने आपको कल ही वोल्ट मीटर के बारे में बताया था कि वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना होता है, ठीक है. और क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है इसलिए उसको हमेशा किधर कनेक्ट करना होता है, 2 पॉइंट्स पे उसको कनेक्ट करना होता है. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो वोल्ट मीटर है, ये देखो, ये एक इसका एक्स पॉइंट से कनेक्टेड है और दूसरा ये वाई पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है. तो ये प्रॉपरली कनेक्टेड है,
दो पॉइंट से, ठीक है। और जो एमीटर होता है, एमीटर का मेन काम होता है टू मेजर करंट, टू मेजर करंट, ठीक है, टू मेजर करंट, यस, एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना, है ना। तो अब देखो ये क्योंकि करंट को मेजर होना है तो इसलिए इसने देखो जो करंट का पाथ होगा उस पे इसने जो है अमीटर को लगा के रखा हुआ है, ठीक है। आई होप सो इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया आपको कि चार सेल होने वाली है। देखो सेल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो बड़ी लाइन होती है ना, ये जो बड़ी डार्क लाइन है ना, इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और ये जो छोटी वाली लाइन है इसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा अजम्पशन किया जाता है कि जो हमारा एनर्जी फ्लो होगा, है ना, वो क्या होगा, वो कहाँ से होगा, ये स्टार्ट होगा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से और करंट इधर को जाएगा, और फिर ये है की मतलब स्विच होता है। बहुत सिंपल आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, की मतलब स्विच। अब इस चीज़ को ध्यान रखिए, चार सेल्स कनेक्ट हो गई, नाइक्रोम वायर कनेक्ट हो गया, अमीटर कनेक्ट हो गया, वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब बेसिकली ये हमको इसमें पढ़ाना क्या है, ये पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, ये पढ़ाना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो हम लोग ने एक सर्किट सेटअप किया है, ठीक है, तो देखो बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, यहां से करंट आई फ्लो हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, ये करंट आई फ्लो हो रहा है, ये एक रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, ठीक है। और बाकी ये जो है ये क्या है, ये क्या है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए वी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रख लीजिए, पहले ही नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो आपको यहाँ पे तीन चीजें मिल रही हैं, यहाँ पे तीन चीजें आपको पहले से पता है, वी है, आर है और आई यूज हो रहा है। तो क्या सर ओम्स लॉ में इसी का यूज होने वाला है क्या? तो यस, ओम्स लॉ में इन्हीं का रिलेशन दिखाया जाएगा, लेकिन वो रिलेशन पहुंचा वहां तक कैसे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले से आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि वी आर आई इसका यूज होने वाला है, ठीक है, इसको देख लो अच्छे से, अब समझ लो। चलो आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे वी आर आई के बीच का रिलेशन डिराइव कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, एक लाइन, एक चीज देखिए यहाँ पे जो नोट करने वाली है, जो वन मार्कर क्वेश्चन में बहुत आराम से आपसे पूछा जा सकता है, वो है निक्रोम वायर के बारे में। इसको आप अपनी बुक्स में मार्क कर लें एज एन इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, कि निक्रोम इज एन एलॉय ऑफ निकल क्रोमियम एंड मैग्नीज एंड आयरन मेटल्स, ठीक है। इसके बारे में इसको आप लोग मार्क कर लें, एक इंपॉर्टेंट लाइन में से है, इसमें से क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है कभी कभी, क्योंकि ये वो छोटी छोटी चीजें हैं कि जिसको बच्चे बहुत आराम से इग्नोर करके हम लोग आगे निकल जाते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इसको अच्छे से समझ लें। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि फर्स्ट, यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट यूज ओनली वन सेल एज द सोर्स इन द सर्किट, नोट द रीडिंग इन द एमीटर आई, एमीटर फॉर द करेंट एंड रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर वी फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस नाइक्रोम वायर एक्स वाई इन द सर्किट, टैबुलेट देम and next connect two cells in the circuit, note respect readings, repeat of the above separately, okay। चलिए ठीक है, plot a graph। चलिए देखिए यहां पे इसमें क्या है कि ये एक प्रैक्टिकल है जो आपको बताया गया है। अब देखिए आपको क्या करना है, पहले आपको एक सेल का यूज करना है, यहाँ पे पहले आपको एक सेल यूज करनी है, ठीक है, और उस एक सेल से जो आपको करंट मिलना है उसका वैल्यू आप नोट करेंगे, और जो आपको वी का वैल्यू यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है उसका वैल्यू नोट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर दो तीन सेल्स को और जोड़ देंगे। समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पे धीरे धीरे करते करते एक आपको टैबुलेचर फॉर्म करना है और उसका एक ग्राफ बनाना है, यहाँ पे हम लोग वो नहीं करेंगे अभी, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसमें आगे और क्या मेंशन है, ओके ठीक है, यस। तो देखिए क्वेश्चन आपको ये जो बताया गया है, ये बेसिकली ये सिखाने के लिए बताया गया है कि एक ऑब्जर्वेशन आपकी रहे कि आपको कैसे इसमें करना है। तो देखो लास्ट एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द करेंट,
ठीक है, ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द ग्राफ, ये इतना आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए इस एक्टिविटी का पूरा कंक्लूजन आपको नीचे मिलने वाला है, यस, थोड़ा सा, यस। अब देखते हैं, है ना। तो अब अगर हम यहां पे देखें तो ओके, तो वहां पे जो अभी हम लोग ने एक्टिविटी देखी कि एक्टिविटी में हम लोगों को क्या क्या मिला था, एमीटर था, वोल्टमीटर था, बैटरीज थी, एक सर्किट फॉर्म किया गया था, और वहां पे हमसे क्या बोला गया था कि बैटरी कनेक्ट करने के बाद आई और वी का वैल्यू हम लोगों को नोट करना है, ठीक है। तो उसका देखिए ग्राफ यहां पे फॉर्म हो रहा है कि इन दिस यू विल फाइंड दैट अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू फॉर वी एंड वाई, वी एंड आई इज ऑब्टेन इन ईच केस, ठीक है। दस द वी आई ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। अब देखिए ये जो लाइन आपसे बोली गई कि अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू की सिचुएशन बच्चे कहां होती है, जब x बराबर y हो जाता है। x बराबर y की सिचुएशन यानी कि जितनी वैल्यू x की जाएगी उतनी वैल्यू y की भी जाएगी। तो अप्रोक्सीमेटली y, अप्रोक्सीमेटली दोनों का वैल्यू सेम होने पे यहां पे ये आएगा कि देखो यहां पे ये रहा करंट और ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस, ये रहा हमारा y एक्सिस, ये रहा हमारा x एक्सिस, ठीक है। अब करंट x एक्सिस में है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा y एक्सिस पे है, ठीक है। तो अब देखिए ये एक पॉइंट बन रहा है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये है, ये है और ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसके पॉइंट्स को डिनोट करते हैं तो दिस विल बी 0.1, 0.4, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 0.2, उसके आगे का कोई वैल्यू है 0.5 से कम ही है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे इस टाइप की मिलती जाएंगी, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब इसको देखिए समझते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं क्योंकि इनकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू सेम है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू सेम है, तो वैसे सिचुएशन के लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिल रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको यहाँ पे मिलता है, समझ में आ रही है मेरी बात, है ना। चलिए तो अब यहाँ पे क्या करना है कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ये आप देख सकते हैं ये ओरिजिन से पास हो रहा है, है ना। तो यहाँ पे ये आपको इस एक्टिविटी से आपको ये समझ में आता है कि जो हमारा ग्राफ बनता है V और I के बीच का वो कैसा ग्राफ होता है, हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मेरी बात को समझते जाइएगा, कल अब मैं थोड़ा सा चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना तो आपको अच्छे से वो चीज समझ में आ जाएगी। चलिए सॉरी, चलिए ओके। तो अब इस चीज को देखिएगा, मैंने कल आपसे एक चीज डिस्कस करी थी, है ना, हमने कल आपसे डिस्कस किया था पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ये सारी चीजें हम लोग ने कल यहां पे बनाया था, ठीक है। मैंने पोटेंशियल आपको एक्सप्लेन किया था कि चार्ज को फ्लो करने के लिए एनर्जी चाहिए, समझ में आई मेरी बात, चार्ज को फ्लो करने के लिए एनर्जी चाहिए, मतलब वर्क डन चाहिए होता है, वही चीज हमारी पोटेंशियल होती है। तो हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू, सही कह रहे हैं, V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू हम लोगों ने पढ़ा था ये फॉर्मूला, है ना। चलिए अब यहां पे इसको जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखना कि अब अगर हम यहां पे देखते हैं तो ये देखिएगा, एक मान के चलिए अगर ये एक रेजिस्टेंस जोड़ रखा है मैंने, ठीक है, ये आता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, ये रहा आपका स्विच, ठीक है, ओके, ये रहा आपका स्विच, ये रहा रेजिस्टेंस आर, बात आपको समझ में आ रही है बच्चों,
अच्छा ठीक है, ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज वी, दिस इज वी, दिस इज आर, है ना, और यहाँ से करंट बढ़ रहा है। अच्छा अब एक चीज देखना, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि वी आर और आई को बहुत संभाल के रखो, इन्हीं का यूज होने वाला है। अभी देखो मैं कहाँ पे यूज करता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है चलो देखो, अब यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सिंपल तरीके से सोचना। देखो अगर मैं स्विच ऑन करता हूं, ठीक है, अगर मैं स्विच ऑन करता हूं तो क्या यहां पे ऐसा होगा कि यहां से एनर्जी निकलना स्टार्ट होगी, एनर्जी इधर जाएगी, एनर्जी इधर जाएगी, आ रही है बात समझ में, इधर एनर्जी जाएगी, एनर्जी जाएगी, एनर्जी जाएगी, एनर्जी जाएगी, क्या धीरे धीरे एनर्जी इधर से निकलना शुरू करेगी और इधर जाना शुरू करेगी। ठीक है, यानी कि एनर्जी का लेवल धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे एनर्जी का लेवल बढ़ेगा यानी कि V बढ़ेगा, है ना, जैसे जैसे V बढ़ेगा तो आप मुझे बताइए जैसे जैसे V बढ़ेगा क्या वैसे वैसे I नहीं बढ़ेगा, क्या क्या वैसे वैसे फ्लो ऑफ करंट नहीं बढ़ेगा, I नहीं बढ़ेगा, बताइए मुझे बताइए कि यहां पे जैसे जैसे अगर मैं V बढ़ाता हूं तो क्या I का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा सर, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन या जो भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, अगर मैं उसको जितनी ज्यादा एनर्जी दूंगा वो उतना ही ज्यादा तो फ्लो होगा। समझ में आ रही है मेरी बात, जितने सारे इलेक्ट्रॉन को हम ज्यादा एनर्जी देंगे, जितनी एनर्जी देंगे उतना फ्लो होगा, क्योंकि पोटेंशियल हमारा काम क्या है, पोटेंशियल का काम ही यही है कि भाई जो भी पार्टिकल है उसको वो एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो प्रॉपरली फ्लो हो सके और उसका एक फ्लो जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो उस चीज के लिए यहां पे क्या होगा, एनर्जी मिलती जाएगी, फ्लो बढ़ता जाएगा, एनर्जी मिलती जाएगी, फ्लो बढ़ता जाएगा, एनर्जी मिलती जाएगी, फ्लो बढ़ता जाएगा, यानी कि वी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वी बढ़ेगा वैसे वैसे आई बढ़ेगा, जैसे जैसे वी बढ़ेगा वैसे वैसे आई बढ़ेगा। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? ठीक है, तो हमने एक चीज देखी कि भाई ये रहा वी और ये रहा आई, मैं तो सही कह ही रहा हूं, ठीक है ना भाई, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि जैसे ये रहा वी ये रहा आई, जैसे जैसे वी बढ़ रहा है वैसे वैसे आई बढ़ रहा है, जैसे जैसे वी बढ़ रहा है वैसे वैसे आई बढ़ रहा है। फिर हम देख रहे हैं ये तो बात तो सही है, यानी कि ये डायरेक्ट रिलेशन है। हाँ बिल्कुल सही, डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि जैसे जैसे वी बढ़ रहा है वैसे वैसे आई बढ़ रहा है, कोई गलत नहीं है भैया। अब क्या करते हैं, जैसे ही ये चीज हमने देखी और ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो वी इज इक्वल्स टू आई आर, ये देखिए दिस इज द फॉर्मूला फॉर ओम्स लॉ। ठीक है, दिस इज द ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ जो है ये एक्चुअल में ऐसे लिखा जाता है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, क्योंकि R यहां पे एज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। यहां तक समझ में आ गई मेरी बात सबको, ये उस ओम्स लॉ का एक्सप्लेनेशन है। आगे मेरी बात, चलिए आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा कि यहां पे जैसे जैसे एनर्जी मिलेगी, जैसे जैसे एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे फ्लो ऑफ करंट भी बढ़ेगा। एक टाइम के बाद जब पोटेंशियल मेंटेन हो जाएगा तब अलग बात है, वो रनिंग कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड तक तो वो बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां से वी बढ़ेगा, यहां से आई बढ़ेगा, यहां से वी बढ़ेगा, यहां से आई बढ़ेगा। तो वो चीज को हम लोग ने यहां पे उतार लिया और फिर हमने क्या देखा कि यार ये डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहा है, यानी कि ये हम लोगों का डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, और जैसे कि हम लोग साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो V इज इक्वल्स टू आई आर आ जाएगा। आई होप सो दिस इज क्लियर बच्चों, यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है क्या? नहीं। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर ये लिख सकते हैं, दिस इज द ओम्स लॉ, और ये एक्चुअल में ओम्स लॉ बेटा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां से आपको ये समझ में आता है कि V इज इक्वल टू आई आर में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट। अच्छा एक चीज और देखो जो आपको तुम्हें जो लिखनी है आपको, है ना, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, चलो नेक्स्ट स्लाइड में उसको एक्सप्लेन करता हूँ। चलो देखो, अभी मैंने आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी, पता है फिजिक्स की बात अच्छी कि छोटी छोटी चीजों में ही कॉन्सेप्ट निकल आता है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि R इज इक्वल टू V बाई आई, ये भाषा कितने लोगों को समझ में आई, R इज इक्वल टू V आई आई, I इज इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, अब यहां पे क्या बात है, अगर इधर ध्यान से देखो तो
आर इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है आई से, किससे शो कर रहा है, आर जो है हमारा इनवर्स रिलेशन आई से शो कर रहा है ना। तो जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे आर घटेगा, जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे आर घटेगा, लेकिन जैसे जैसे आई घटेगा वैसे वैसे आर बढ़ेगा। यानी कि अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूं तो क्या करंट का फ्लो डाउन हो जाता है? अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूं तो करंट डाउन हो जाता है? तो बिल्कुल हो जाता है। यही चीज तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस में पढ़ी है, कि रेजिस्टेंस बेसिकली ऑपोजिस द फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट के फ्लो को अपोज करना होता है। आई मेरी बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है? तो यहां से एक चीज देखो तो तुम्हें समझ में आएगी कि रेजिस्टेंस इज बेसिकली वी बाई आई, जहां पे जो आर है वो हमारा ये बताता है कि जो फ्लो ऑफ करंट है उसको अपोज किया जाता है रेजिस्टेंस के द्वारा। ये बात समझ में आ गई सबको? यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। रेजिस्टेंस का अगर हम लोग देखें बच्चों, तो यूनिट जो होता है रेजिस्टेंस का वो होता है ओम्स। क्या होता है? ओम्स। इसका साइन देखो कुछ इस तरह होता है, इसको ओम्स लिखते हैं। देखो ओम्स, इसको ओम्स लिखा जाता है, ठीक है, इसको ओम्स लिखते हैं। और रेजिस्टेंस का बच्चों कैलकुलेशन भी होता है, वो कैलकुलेशन हम लोग आगे देखेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? आई होप सो। ये आपको रिलेशन, ये जो मैंने आपको यहां पे समझाया है, ये आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वी इज इक्वल्स टू आई आर और R is equals to V by I, इससे आपको पता चल गया होगा कि हमारे V, R और I इसके बीच का रिलेशन क्या है। यही आपको ओम्स लॉ में समझाना है। आ गई मेरी बात समझ में आप सबको? ठीक है, तो यही चीज हम लोगों को ओम्स लॉ में समझ, इसीलिए मैंने आपसे बहुत पहले कह दिया था कि इसको नोट करके रखना। तो V, R, I का रिलेशनशिप यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो ये आई होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं बुक पे, वापस आते हैं, ठीक है। चलिए बुक पे वापस आते हैं। तो यहां पे देखो कुछ थोड़ी सी कहानी लिखी हुई है, थोड़ी सी कहानी कुछ मेंशन है। ओके, चलिए थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं क्या लिखी हुई है। कहानी में लिखा हुआ है कि इन 1827 जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम्स, है ना। ये देखिए, ये चीज आप नोट कर लेना, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है कि हु फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट आई एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इट्स टर्मिनल। तो आपको ये नाम बताना होता है, जॉर्ज साइमन ओम्स, ठीक है, ये आपको बताना होगा। ये कभी कभी वन मार्कर क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं कि किस साइंटिस्ट ने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था बिटवीन पोटेंशियल एंड करेंट, ठीक है। तो जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? ओम्स लॉ क्लियर है पूरा, लेकिन हम लोग बस थोड़ा थोड़ा चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मार्क करा दूंगा, फिर वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस ऑफ द गिवन एंड्स इन इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो प्रोवाइड थ्रू इट, द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। ये चीज देखिए, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ मेटालिक कंडक्ट मेटालिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये कट गया गलती से, कटेगा नहीं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू इट प्रोवाइडेड दैट। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन यहाँ पे बताई रखी है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो अप्रोक्सीमेट सेम वैल्यू जो आ रही है वो तभी आएगी जब हमारा टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर में हमने थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किया, ठीक है, तो वहां पे वैल्यू फिर डिफर आ सकती है। वो मैं आगे बताऊंगा कि वो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रख लें। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, टेम्परेचर रिमेन सेम, ये आपके दिमाग में एकदम बैठे रहना चाहिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ।
तो यहां से यहां तक आपको ओम्स लॉ का डेफिनेशन है, इसको आप लोग मार्क कर ले, ओम्स लॉ डेफिनेशन, ठीक है, ये ओम्स लॉ का डेफिनेशन है। आगे बात समझ में, यहां तक ओम्स लॉ का डेफिनेशन, ये आप देखिए बच्चों, ये बुक में मार्क कर लीजिए, बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका तो आप नोट्स बना रहे हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बुक में जरूर मार्क कर लें, या जो आपके जो पर्सनल नोट्स हैं जिसमें आप खुद पढ़ते हैं, तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये आप उसको एज अ नोट में उतार के लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे, है ना, तो वो एक रिविजन कॉपी आपके पास रहेगी जो आपके लिए काम आ जाएगी, ठीक है। तो आपको पूरा बुक पढ़ने से आप थोड़ा सा बच जाएंगे, ठीक है। बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा कॉन्सेप्ट आपका पूरा वही है, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, तो अब ये देखिए, ये जो यहाँ पे जो डेफिनेशन बोला है ना, इसका मैथमेटिकल फॉर्म बच्चे ये है, देखो क्या लिखा हुआ है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, यही चीज मैं आपको भी बता रहा था अभी, और v by i इज कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट इज r, तो v इज इक्वल टू आई आर, देखो आ गया ना यहाँ पे, यही चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। चलिए, ओके चलिए थोड़ा सा देखते हैं हम यहां पे कि जो ये R था, ये जो R था बच्चों, ये क्या था, ये जो है हमारा कांस्टेंट था फॉर द गिवन मेटालिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर। देखो ये बार बार टेम्परेचर का वर्ड आ रहा है, क्योंकि जो जो टेम्परेचर होता है वो हमारे रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। जब हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताने वाला हूँ द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस, ठीक है, वहां पे सारी चीजें करेंगे, या ऐसे फैक्टर्स जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि इट्स कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस, है ना, ये डेफिनेशन नहीं है, ये बता रहा है कि वहां पे जो चीज यूज हो रही है वो रेजिस्टेंस है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट, देखो आ गया ना उसका काम, रेजिस्ट टू फ्लो द चार्जेस थ्रू इट, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर की ही प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करेगा, फ्लो को, फ्लो ऑफ चार्ज को रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो वही चीज हमारी रेजिस्टेंस कहलाती है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर डैश द फ्लो ऑफ चार्ज, या तो डैश रेजिस्टेंस के उस पर लगाएगा या तो डैश कंडक्टर के उस पर लगाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट लाइन है। एसआई यूनिट मैंने आपको ओम्स बता रखी है, रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर विच इज दिस, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ आर इज इक्वल्स टू वी बाय आई, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको ये चीज एक्सप्लेन करी है। ओके बच्चे, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और चलिए, ओके चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इज 1, देन द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर इज 1 ओम्स। ये चीज देखिए, ये आपको समझ लेनी है कि 1 ओम का रेजिस्टेंस तब बनेगा जब 1 वोल्ट का करंट, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और 1 एम्पियर का करंट फॉर्म होगा। तो वैसी सिचुएशन में जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा उसका वैल्यू कितना होगा, 1 ओम, ठीक है। आई होप सो दिस इज क्लियर। चलिए यहाँ पे देखिए, हाँ ये जो मैंने यहाँ पे आपको एक चीज समझाई थी बच्चों की, जैसे ये R इज इक्वल्स टू V बाई आई होता है ना, वैसे I इज इक्वल्स टू V बाई आर भी होगा, ठीक है। ये भी चीज हम लोग यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, ठीक है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब देखते हैं कि इट इज ऑब्वियस, क्या लिखा हुआ है, यस इट इज ऑब्वियस दैट द करंट थ्रू अ रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। देखिए ये हम लोगों को, ये जो मैंने रिलेशन फॉर्म किया हुआ है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही अभी समझाया था, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
गलती हो जा रही है, इज वन बाई आर, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर, है ना। तो ये यही चीज यहां पे आपको बताई गई, इफ द रेजिस्टेंस। हाँ, अब देखो क्वेश्चन कहां से फॉर्म होता है बच्चों, क्वेश्चन फॉर्म होता है इस वाली लाइन से, इफ द रेजिस्टेंस इज डबल द करंट गेट्स हाफ। एक लाइन ये हो गई, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन मेनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अ कॉम्पोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में देखिए यहां पे ये लिखा हुआ है कि एक ऐसा कॉम्पोनेंट होता है विच इज यूज टू रेगुलेट द करेंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, यानी कि करेंट की वैल्यू को हम लोग बदल सकते हैं विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो किसकी मदद से करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस की वजह से करेंगे। देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल में एक पूरा बॉक्स टाइप होता है, ठीक है, उसमें काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं। तो जिस भी आपको रेजिस्टेंस का जरूरत पड़ता है, जो वो आप रेजिस्टेंस वहां पे निकाल सकते हैं, या एक रेजिस्टेंस की जो गिवन वैल्यू होती है उसको आप आराम से चेंज करके करंट के फ्लो में अप डाउन कर सकते हैं, यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टैट इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, वी विल नाउ स्टडी अबाउट सम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब देखिए यहां पे फिर एक एक्टिविटी आती है, तो आई होप सो गाइज आपको यहाँ पे ओम्स लॉ के बारे में तो काफी कुछ फंडामेंटल्स क्लियर हो गए होंगे। देखिए जो लाइन मैंने मार्क कराई है बच्चों, उसको जरूर से जब आप अपने पर्सनल नोट्स बनाते हैं कॉपी में, ठीक है, तो ये सारी लाइन जरूर लिख लें और एग्जाम से पहले इसको एक बार जरूर पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि ये वो सारी लाइन्स हैं जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, ठीक है। जैसे एनटीएससी के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं बहुत सारे, बहुत बार अपने बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेते हैं, या आपके जो सिंपल स्कूल में जो एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसमें पूछ लिया जाता है, तो वहां पर बच्चा घबरा जाता है, ठीक है। सारी चीजें आपके बुक में लिखी हुई हैं, मैंने मार्क करा दिया है कि उसमें इंपॉर्टेंट क्या लाइन है, तो वो जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो आप अपने पास कहीं नोट कर लें, ताकि आपको एग्जामिनेशन टाइम पर बुक में पढ़ने की जरूरत ना हो, ठीक है। और बाकी सारी जो मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। हाँ, यहां पे देखिए क्या लिया हुआ है, कह रहा है कि अ निक्रोम वायर, अ टॉर्च बल्ब, क्या लिया हुआ है, एक निक्रोम वायर लिया हुआ है, एक टॉर्च बल्ब लिया है और एक 10 वॉट का बल्ब लिया हुआ है और एमिटर लिया हुआ है जिसकी रेंज क्या है, जिसकी रेंज है 0 से 5 एम्पियर की रेंज है, ठीक है। प्लग है, की है, सम कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये सारी चीजें हैं। तो एक सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है, एक सेटअप यहां पे क्या किया हुआ है कि सर्किट बाय कनेक्टिंग 4 ड्राई सेल्स ईच ऑफ वोल्ट इतना इन सी, अब देखिए सीरीज में कनेक्ट किया है, ठीक है। इस पे थोड़ा अभी आप लोग ज्यादा मत जाएं, ठीक है, बाकी बस एक रीड के लिए कर लें, विद द एमीटर लीविंग अ गैप एक्स वाई इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर, राइट। चलिए ऊपर देखते हैं, अब ओके यहां पे कुछ कुछ तो बोला हुआ है कि आपको यहां पे क्या करना है, ठीक है, कि कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द नाइक्रोम वायर विद द गैप ऑफ एक्स एंड वाई। इसको कुछ नहीं करना है, ये जो चीज है ना, ये इसको उठा करके यहां पे बीच में लगा देना है, ठीक है। ये रहा एमिटर, ये रहा आपकी बैटरी जो कि जो वी होगा, ये रहा आपका की दैट इज स्विच, करंट फ्लो होना यहां से शुरू करेगा, इधर से करंट की वापसी होगी, और इस निक्रोम वायर को हमने यहाँ पे बल्ब टॉर्च बल्ब लगा दिया, 10 वॉट का बल्ब लिया हुआ है, इस बल्ब को उठा करके, ये मतलब बेसिकली क्या है कि इसको आप कनेक्ट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका बल्ब आ जाएगा, ठीक है, ये बल्ब आ जाएगा, राइट। चलिए अब देखिए, कंप्लीट द सर्किट बाई कनेक्टिंग अ निक्रोम वायर इन द गैप, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा कि निक्रोम वायर में गैप जो लिखा हुआ है क्या करना है, उससे हम लोगों को
जो गैप है वो पूरा भर देना है, ठीक है, मतलब यानी कि इसको उस पे सिस्टम पे हम लोगों को लगा देना है, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, रिपीट करना है, ये सारी एक्टिविटी आपकी होती रहेगी। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि एक्टिविटी का रिजल्ट क्या आता है। चलिए अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द करेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स। वाई डू द डिफर? सर्टेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन ऑफर एन ईजी पाथ फ्लो ऑफ करेंट वाइल द अदर रेजिस्टेंस फ्लो। वी नो दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करेंट। द इलेक्ट्रॉन हाउ एवर आर नॉट कम्प्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर, दे आर रिस्ट्रेंड बाई द अट्रैक्शन ऑफ एटम्स अमंग विच दे मूव। दस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज रिटार्टेड बाई इट्स रेजिस्टेंस। अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ गिवन साइज दैट ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है। ये देखिए गुड कंडक्टर का आपको डेफिनेशन यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है, कि गुड कंडक्टर क्या करेगा, लो करेंट लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक। बैड कंडक्टर आपको पता ही है, एक होता है जिसमें कि एक ऐसा कंडक्टर होता है जिसमें जो कि एकदम ही रेजिस्टेंस को नहीं लगाता है, उसको सुपर कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा जीरो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। ओके, अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टर। अ कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स अ हायर रेजिस्टेंस इज अ पुअर कंडक्टर। इंसुलेटर ऑफ सेम साइज ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो तीन चीजें आपको बहुत क्लियर बताई गई हैं कि मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन सर्किट कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट, एंड दीज एंड द करंट हाउएवर आर नॉट कंप्लीटली, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर, ठीक है। चलिए ओके, यस, ये जो चीज है स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे से नोट करनी है। देखिए वहां पे अभी हम लोगों ने जो ओम्स लॉ पढ़ा था वहां पे एक वर्ड आया था ना, प्रोवाइडेड इट्स लाइक प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर इज सेम, ठीक है, वहां पे टेम्परेचर को लेके बात कही गई थी कि भाई टेम्परेचर सेम होना चाहिए, और ये आपको बताना है कि फैक्टर ऑन विच। तो ये मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी मैंने यही बोला था आपसे कि अभी हम लोग ये भी स्टडी करने वाले हैं कि फैक्टर्स जिस पे कि रेजिस्टेंस मैटर करता है, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ गुड कंडक्टर डिपेंड्स, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिखे होंगे, ठीक है, आप उनको मार्क कर लेना, मैं बता दूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ओके, इट इज ऑब्जर्व दैट द एमीटर एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ, ठीक, देखो क्वेश्चन यहां से भी फॉर्म होता है, एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू 1/2 व्हेन लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, ठीक है, यानी कि करंट का फ्लो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, देखो सॉरी घट रहा है, क्योंकि अमीटर क्या करता है, करंट को रीड करता है। यहां पे क्या बोला, रीडिंग ऑफ द अमीटर इज डिक्रीजिंग, यानी कि करंट का फ्लो कम हो रहा है, कब करंट का फ्लो हाफ हो रहा है अगर हमारी लेंथ डबल कर दी जा रही है, ठीक है, एक बात ये आपको समझ में आ गई, ठीक है। दूसरा आपसे क्या बोल रहा है कि द अमीटर रीडिंग इज इंक्रीज्ड व्हेन द थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ द सेम लेंथ इज यूज्ड इन द सर्किट, यानी कि अमीटर रीडिंग इंक्रीज कब हो रही है, जब वायर थिक यूज करी जा रही है और सेम लेंथ की यूज करी जा रही है, ठीक है। अ चेंज इन एन अमीटर अमीटर रीडिंग इज ऑब्जर्व व्हेन अ वायर इज डिफरेंट ऑफ अ ऑफ मटीरियल ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑफ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूज ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ, ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ दैट इज इक्वेशन नंबर 1 वी ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ये देखिए दीज आर द फैक्टर्स जिसके ऊपर रेजिस्टेंस जो है हमारा मैटर डिपेंड करता है, वो है हमारा उसकी लेंथ पे,
उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नेचर ऑफ इट्स मटेरियल पे, ठीक है, प्रिसाइज मेजरमेंट हैव शोन दैट द यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया. देखिए इसको मैं ना यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ये आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने इसको पढ़ रखा है, ये ऊपर वाली लाइन को, ठीक है. यहां पे बोल रहा है कि अगर मैंने वायर लेंथ को डबल कर दिया तो हमारा करंट घट गया, यानी कि हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, ठीक है. और फिर कह रहा है कि अगर थिक वायर यूज कर रहे हैं तो हमारा करंट इंक्रीज कर रहा है, यानी कि हमारी जो R की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A के. सही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है. अब क्या करेंगे, इनको हम लोग कंबाइन कर देंगे, इनको जोड़ देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, ये आ जाएगा. और फिर ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो आ जाएगा रो L/A. ये देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जहां पे रो जो है ये स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है. क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है. अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है. अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जो है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट की कैपेबिलिटी होती है कि कितना रजिस्ट कर सकता है. आ रही है मेरी बात समझ में, ये वही चीज है. R इज इक्वल टू रो L/A. और अगर हमें ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी रो और ये हमारा इधर मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है. तो RA/L, ठीक है, समझ में आया. चलिए ये इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में. ओके, यहां तक सबको क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं. यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया कि ये इसका यूनिट क्या होगा, दिस इज द SI यूनिट ऑफ दिस, है ना. चलिए ओके, यहां पे एक चीज कह रहा है कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल द मेटल्स. अब देखिए ये जो लाइन है इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंटली मार्क करना है, द मेटल्स एंड द एलॉयज, द मेटल्स एंड द एलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी. ये देखिए ये लाइन है, इस लाइन से क्वेश्चन बहुत फॉर्म होता है इजली. तो क्या आ जाएगा यहां पे, हैव अ वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ दिस, राइट. तो इसको आप लोग समझ रखें. ओके, अब देखिए ये जो लाइन है जो मैंने आपको अभी मार्क कराई है, तो ये उसको मार्क कर रखें कि द मेटल्स एंड द एलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन रेंज ऑफ दिस एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको लिख लेना है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स एंड एलॉय में जो रेजिस्टिविटी का लेवल होता है वो कम होता है, उनकी रेंज यहाँ पे लिखी हुई है. कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि डायरेक्टली रेंज से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, वहां पे या तो आपको रेंज मैच करनी होती है या तो वहां पे आपको रेंज लिखनी होती है, ठीक है. करेक्ट ऑप्शन में अगर आ गई, आपके MCQ में आ गई, तो फिर ये आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर इस चीज को अच्छे से ध्यान दिए रहोगे तो, ठीक है. तो रेजिस्टिविटी है ना, बोथ रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल वैरी विद द टेम्परेचर. देखो ये आ गई ना वो वाली लाइन जो मैंने आप लोगों को पहले मार्क कराई थी वो ओम्स लॉ वाले में, ठीक है. तो ये देखो ये वही लाइन है. अब यहाँ पे क्या होता है कि रिवील्स दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, एलॉय डू नॉट ऑक्साइड्स. अब ये देखो रीजन लिखा हुआ है कि जो हमारे एलॉय हैं उनका रेजिस्टिविटी ज्यादा क्यों होता है एज कंपेयर टू मेटल. तो ये उसका यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है, क्योंकि एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रीडली,
विद अ हाई टेम्परेचर, ठीक है, फॉर लाइक दिस रीजन आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर्स एक्सेट्रा. टंगस्टन यूज होता है, ठीक है, टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, और वेयर एज कॉपर एंड एल्युमिनियम आर जनरली यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स. ठीक है, आई होप सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे कुछ मेटल्स लिखे हुए हैं और उनकी मेटल्स एंड एलॉयज यहाँ पे कुछ आपके लिखे हुए हैं, जो इनका रेजिस्टिविटी वैल्यू लिखा हुआ है, अगर आप इसको याद कर सकते हैं. देखिए दो चार हैं जो बहुत बहुत कॉमन है. एक देखिए मैं आपको बता दूं, टंगस्टन बहुत कॉमन है आपके लिए, टंगस्टन का वैल्यू याद कर लीजिएगा. कॉपर का याद कर लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद आप याद कर लीजिएगा आयरन का और क्रोमियम का, ये याद कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड आ जाता है, ठीक है. और देखिए सिल्वर का भी आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिल्वर 1.60 है और कॉपर 1.62 है, तो ये भी आप इसको कवर कर ही लेंगे. तो ये आपके तीन चार हैं जिनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म होता है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. और एलॉयज में अगर आप देखना चाहते हैं तो नाइक्रोम सबसे ज्यादा. इंसुलेटर्स में अगर हम लोग देखें तो देखिए एक तो आता है ग्लास का और दूसरा आता है हमारा डायमंड का भी आ जाता है, बस इतना, ये हम लोगों के लिए काफी होता है. ओके हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर. ठीक है, ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा. ठीक है, चलिए ओके. तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है, देखिए ये एग्जांपल स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करना इसलिए जरूरी क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि एग्जांपल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, चाहे आप एनटीएससी का देख लीजिए, चाहे आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स देख लीजिए, तो उसमें जनरली ये होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं. तो यहां पे आपको देखना है क्वेश्चन ये पूछ रहा है. देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको एक न्यूमेरिकल में जानता हूँ, आप सबकी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है. ठीक है, आपको कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है. किसी किसी को तो न्यूमेरिकल पसंद होता है, बट बाकी मैक्सिमम देखा गया है ऐसा कि फिजिक्स में बच्चों को न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है. तो यहाँ पे देखो डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे समझो कि क्वेश्चन करते कैसे, न्यूमेरिकल लगाना कैसे. देखो एक बार में लगा लोगे, ठीक है, कैसे आ रहा है देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब फिलामेंट इज 1200 एंड हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज. अच्छा अब देखो आपको दिया क्या 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 है, आपको करंट पूछ रहा है. I1 ले लेते हैं पहले केस के लिए, I1 यानी कि जब रेजिस्टेंस का वैल्यू ये है तो इसके लिए हम लोग करंट का वैल्यू I1 ले लेते हैं, और जब रेजिस्टेंस का वैल्यू ये है तो करंट के लिए वैल्यू I2 ले लेते हैं. ठीक है, तो I1 अगर हमें निकालना है, यहाँ पे हमें I1 निकालना है. ठीक है, अब हमको क्या करना है, I1 के लिए हमें वैल्यू क्या क्या दी हुई है देखो. अच्छा
यहाँ पे V दिया हुआ है 220 वोल्ट और R का वैल्यू क्या दिया हुआ है, R1 ले लेते हैं इसको, R का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1200, ठीक है। क्या पूछ रहा है, करंट। सिंपल सा सवाल है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ दिमाग लगाना नहीं है एकदम। क्या यूज होगा यहाँ पे, ओम्स लॉ यूज होगा। कौन वाला पैटर्न यूज होगा फॉर्मूले का, I इज इक्वल्स टू वी बाई आर का, ठीक है। तो यहां पे देखो V कितना है 220 अपॉन 1200, यही तो है, ठीक है। इसको यूज करो, इसको आंसर निकालो, यहां से वैल्यू कितना आ जाना चाहिए यहां पे, देखो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और दिस विल बी 11, दिस विल बी 60। अब अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो दिस विल बी 0.128 m, ठीक है। एक बार आप इसको सॉल्व करके देखिए कि ये इतना ही वैल्यू आ रहा है या नहीं। सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है, ओके। तो हम लोग ने यहाँ पे I1 का वैल्यू निकाल लिया, चलिए अब हम लोग निकालते हैं I2 का वैल्यू। I2 का वैल्यू निकालते हैं, I2 का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे V का वैल्यू देखिए वही रहना है, 220 वोल्ट ही रहेगा V का वैल्यू, और हमारा जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है विच इज R2, दैट विल बी 100, ठीक है, यही होना है। फिर वही फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू V बाई R लगा दोगे यहाँ पे और ये आ जाएगा 220 अपॉन 100 विच इज 2.2 एम्पियर, ठीक है। तो दिस इज I2 का वैल्यू, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सिंपल था, एकदम फॉर्मूला बेस है। आपको देखिए जब भी न्यूमेरिकल लगाना है ना तो इस चीज का ध्यान रखिए बच्चों कि I का वैल्यू जितना है, सॉरी जब भी न्यूमेरिकल लगाना है तो इस चीज का ध्यान रखिए कि जो भी वैल्यू गिवन है उसको आप पहले एक जगह अच्छे से लिख लें, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए उसको लिख लिया था प्रॉपर, तो इससे आपको देख के ही एक अंदाजा लग जाएगा कि क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। भाई अगर हमें I निकालना है तो I किस फॉर्मूले से निकालें जिसमें V भी यूज हो रहा हो, जिसमें R भी यूज हो रहा हो, तो अपने पास एक ही फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू V बाई R का यूज करके वही निकाल सकते हैं, अभी तक वही पढ़ा है, ठीक है। तो ये आगे बात समझ में, ठीक है, चलिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आंसर मैच ये देखिए, आंसर भी सही है अपना 2.2 एम्पियर एंड दिस, चलिए यस। अब हम लोग बढ़ते हैं इधर, ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन इज अप द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज
60 volts when it draws a current of itna ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120? Okay, fine. यहाँ पे आपसे कह रहा है कि potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volts. ठीक है, यानी कि potential difference यहाँ पे कितना है? 60 volt है. यहाँ पे potential difference कितना है? 60 volt का है. वो भी कब? जब I का value हमारे पास कितना होगा? आई का वैल्यू हमारे पास कितना होगा बच्चों? 4 एम्पियर होगा. ठीक है, अब देखते हैं फिर क्या कह रहा है आपसे कि ठीक है, अब कह रहा है कि करंट का वैल्यू अब बताइए, करंट का वैल्यू अब बताओ जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा करके 60 से बढ़ा करके 120 कर दिया है. ठीक है, अच्छा अब आप पहले तो ये मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या समझ में आता है. मैं आपको 2 मिनट का वक्त देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप इसको सॉल्व करें. ठीक है, ओके तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं. इतना भी हार्ड नहीं है जितना आप लोग ने इसको सोच रखा है. देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हमें आई का वैल्यू निकालना है बच्चे, तो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस से काम नहीं बनेगा. ठीक है, हमें आर का भी वैल्यू चाहिए ना, आर का भी तो वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो अब आर का वैल्यू चाहिए, तो अब R का वैल्यू कहां से लाए? सर पूछा तो आ ही गया था, लेकिन आप R भी बता रहे, तो हाँ ठीक है R का भी वैल्यू लेंगे. कहां से लेंगे R का वैल्यू? यहां से लेंगे R का वैल्यू. ठीक है, क्योंकि हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आ रहा है. हीटर तो हमारा वही है, देखो हीटर तो हमारा वही है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, R का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो यहां से हम लोग पहले R का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो यहां पे देखो R का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R इज इक्वल्स टू V बाई I करना पड़ेगा. ठीक है, R इज इक्वल टू V बाई I का क्या मतलब है यहां पे, यानी कि 60 बाई 4 एम्पियर, और इधर हमें वोल्ट्स लेना पड़ेगा. तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखो भाई, हाँ ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 15 ओम्स. का रेजिस्टेंस, ये यहां पे देखो R का वैल्यू आ गया, यानी कि इस हीटर ने जो 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इतने वोल्ट पर, कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, 15 ओम्स का. ठीक है, यही 15 ओम हमारा इधर भी आ जाएगा, यही 15 ओम हमारा इधर भी यूज होगा.
ठीक है, यही 15 ओम्स हमारा इधर भी यूज होगा। अब देखो तुम्हें करंट निकालना था ना, आराम से देखो निकल जाएगा, I इज इक्वल्स टू वी बाई आर करके, तो V कितना है 120 है और ये कितना है 15 है। यस, इसको आप कैलकुलेट करें और फिर आंसर देखें कि कितना आ रहा है। ये 120 है ना, यस ये 120 है और इधर 15 है, तो आराम से ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आई होप सो दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इतना तो आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ओके, यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, चलिए यहाँ से इसको कॉपी कट करते हैं। कट कॉपी कहाँ चला गया? चलिए इसको हम लोग अब यहाँ पे यूज करते हैं। Yes. अब देखिए ये एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा आपको चेंज लग सकता है लेकिन इसको पढ़ते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। डरने का जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया गया है तो आप यहाँ पे डर जाएं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, क्योंकि जब हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था बेटा, तो वहाँ पे हम लोगों ने कहीं ना कहीं टेम्परेचर से रिलेटेड बात करी थी ना, तो बिल्कुल ये बिल्कुल वैसा ही होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहे देखो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है, लेंथ हमारी कितनी है 1 मीटर की है, 1 मीटर की लेंथ में हमारा रेजिस्टेंस कितना बन रहा है, 26 ओम्स का रेजिस्टेंस बन रहा है। कह रहा है कि इफ द डायमीटर ऑफ अ वायर इज 0.3 mm, डायमीटर कितना बोल रहा है वायर का, 0.3 mm बोल रहा है। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल एट दैट टेम्परेचर Using the table, predict the material of the wire. अच्छा, इस question में आपको क्या करना है, resistivity निकालनी है और वो जो resistivity आएगी वो आपको ये देख के बताना है कि वो कौन सा material है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वो table याद कर लेना। तो वही चीज़ है, देखो यहाँ पे आपको दी क्या गई है, तीन चीज दी गई है, आगे मेरी बात समझ में, तीन चीज दी गई है। अब इन तीन चीज में से आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, पहले आप सॉल्व करना फिर मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, इससे थोड़ा सा कंपेटिबिलिटी आपको समझ में आ जाएगी कि आप कहां गलत कर रहे थे। अब देखो यहां पे अब हम लोग को निकालना क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बेटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर डॉट ए बाई एल, यही तो होता है। ठीक है, अब वेयर ए इज द एरिया एंड एल इज द लेंथ, तो लेंथ तो आपको 1 मीटर दी है नो डाउट, एरिया का प्रॉब्लम है और वायर है, और क्योंकि डायमीटर दिया गया है यानी कि वायर सर्कुलर है, मतलब लाइक जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा, सर्किल होगा। तो यहां पे डायमीटर दिया है तो आप इसको रेडियस में कन्वर्ट कर लो, रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए 0/3/2 कर दो। ठीक है, ये हमारा रेडियस आएगा, लेकिन ये एमएम में दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड बनाने के लिए। ठीक, तो
इसको आप मीटर्स में कन्वर्ट करोगे, आर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये मैंने आपको बता दिया है, ये फॉर्मूला आपको यूज करके वैल्यू निकालना है। चलिए दो मिनट में आप ये आपको निकाल के मुझे बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। चलिए आपके दो मिनट पूरे होते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, अब देखते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। लेंथ हम लोगों को 1 मीटर दी गई है, आर हम लोगों को 26 ओम्स दिया गया है, डायमीटर ये दिया हुआ है। देखो डायमीटर अगर ये तुम्हें दिया हुआ है ना, ये आपको पता है कि एमएम में अगर हमको करना है तो इसको हमें 10,000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो यानी कि हम इसको 3×10⁻⁴ करेंगे तो ये मीटर्स में आ जाएगा, आगे मेरी बात समझ में, और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आर का हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, होप सो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पे हमको पता है कि लेंथ का वैल्यू 1 है, आर का वैल्यू 26 है, ठीक है, और डी का वैल्यू, या आप एक काम करते हैं, डी बाई 2 जो हमारा आर का वैल्यू है वो कितना है यहाँ पे, 3×10⁻⁴2, राइट। अब देखो क्या करना है, ये निकालना था सिंपल पाई, सॉरी आर, और यहाँ पे आ जाएगा एरिया अपॉन एल। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आर का वैल्यू कितना है 26, एरिया क्या होगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन हमारा सर्कल है और रेडियस हमें गिवन है, तो एरिया हमारा होगा पाई आर स्क्वायर बाई एल। तो यहाँ पे 26×π, दैट इज 22/7 इंटू आर क्या है, 3×10⁻⁴ अपॉन 2, राइट, और नीचे कितना आ जाएगा एल का वैल्यू, दैट इज 1, ठीक है। तो इस चीज को मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक, इधर। अब देखो तो ये चीज हमारा कितना हो गया, कितना आ जाएगा बेटा हमारा यहाँ पे 26×22/7 क्रॉस में 9×10⁻⁶4 हो जाएगा ये, और मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा जो कि L का वैल्यू है, तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी। इतना यहाँ पे समझ में आया सबको कि नहीं, ठीक है। इसको अपन को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पे हम लोगों को आंसर यहाँ पे क्या मिलता है। तो देखिए 26, एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा आसान बना देते हैं, इसको इतना ना लेके इसको 3.14 ले लो आप, ठीक है। ये थोड़ा सा ना डिवीजन आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है, तो मल्टीप्लाई करना फिर भी आसान है, डिवाइड करना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, ठीक है। खैर ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोगों की सहूलियत के लिए ही है, मल्टीप्लाई तो आप सारा कर लोगे, है ना, फिर नीचे आपको सिर्फ 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देखो 26×3.14, ठीक है, तो 26×3.14×9, यस, इसको आप लोग इतना मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो यहां पे आपको ये छोड़ देना बच्चों, ये रहने देना, ये मत करना, सिर्फ इतना मल्टीप्लाई करो, 700 समथिंग आ जाएगा, 734 समथिंग यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो ये हमारा आना चाहिए वैल्यू 734.76, यस 734.76 ये वैल्यू आ जाएगी हमारी इधर, ठीक है। तो 734.76 ये वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने पे ये हमारा सीधा सीधा वैल्यू आना चाहिए 183 के अराउंड एक वैल्यू आएगी, बट यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय दिस, तो हाँ एक काम करते हैं, तो दिस वैल्यू विल बी 1.8, ठीक है, 1.8 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, यस, तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो एक काम करते हैं,
एक बार चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। यस, तो हम लोग कहाँ कहाँ सही थे? हम लोगों ने यस वायर का ये रेजिस्टेंस ये लिया, ये लिया, ये लिया। देखिए फोर आया ना, 4L, और रेजिस्टिविटी का वैल्यू कितना आया? 1.84। मैंने जो 183 पॉइंट समथिंग बताया था ना बच्चों, वो एक्चुअली जब डिवाइड करते तो हम लोगों का वैल्यू इतना ही मिलता है। ठीक है, और उसके बाद ये 10^6 ओम मीटर आएगा। यूनिट का जरूर आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट 28 डिग्री विल बी दिस। अब ये देख लेते हैं कि किस में कितनी वैल्यू इसकी आ रही है, वो देख लेते हैं हम लोग जरा। पेरियोडिक टेबल कह रहा हूँ, जो टेबल यहाँ पे फॉर्म हुई थी, ठीक है, वो टेबल देख लेते हैं। तो टेबल हमारी का ये देखिए, मैंगनीज, देखा मैंने आपसे इसलिए बोल रखा था कि वो जो टॉपिक होंगे वो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो जहां तक है कि आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसके बाद फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यस, अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल, अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल इज लेंथ ए, क्रॉस सेक्शन ए, रेजिस्टेंस 4 ओम। What would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area is 2A? Yes, देखिए ये बहुत सिंपल है, इसको मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे बात की हुई है दो वायर्स की, इसको नीचे ले आते हैं। यस, यहाँ पे दो वायर की बात की है, कह रहा है कि अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, अ क्रॉस सेक्शन A, रेजिस्टेंस उसका कितना है? 4 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ एन अदर वायर जिसकी मटेरियल सेम है लेकिन लेंथ उसकी एल बाई टू हो रही है और क्रॉस सेक्शन उसका 2A हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए फॉर द फर्स्ट वायर अगर हम यहाँ पे निकालें तो यहाँ पे बेटा देखो वैल्यू क्या दी गई है आपको। देखो यहाँ पे ऐसे इन्होंने बताया हुआ है कि R1 इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, इसका वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? 4 ओम्स। ठीक है, सेकेंड वायर के लिए देखिए अब आपको क्या करना है। R2 की अगर मैं बात करूँ तो आपको लेना है रो एल बाई टू, आप ले रहे थे अपॉन 2A ले रहे थे, राइट, यही तो कर रहे थे अपन। यस, एल बाई टू। अब देखो ये जो L है ना, ये जो 2 है ना, ये नीचे चला जाएगा तो ये क्या बनेगा? L अपॉन 4A। आगे मेरी बात समझ में है ना? तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं देखो इसको 1/4 अगर एज अ कॉन्स्टेंट हम लोग बाहर निकालें जैसे कि इन्होंने यहां पर निकाला हुआ है तो 1/4 हो जाएगा रेजिस्टेंस अगर हम यस। तो ऐसी सिचुएशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। देख लीजिए 1/4 वैल्यू हो जाती है यहां पे। तो अब यहां पे क्या होगा कि देखिए R2 का वैल्यू हमारे पास ये आया है ना, तो ये देखिए ये वाला पोर्शन तो R1 हो जाएगा, यहां पे R1 रखा, फिर यहां पे अपन क्या करेंगे, R2 is equals to 1/4 R1 हुआ, तो R1 हुआ तो अब क्या होगा यहाँ पे, R1 का वैल्यू कितना है आपको, कितना दिया हुआ था R1 का वैल्यू हम लोगों को? 4 दिया हुआ था, तो यहाँ पे 1/4 into क्या हो जाएगा R1 का वैल्यू विच इज 4 ohms, तो कट के कितना आ जाएगा 1 ohms, तो वैल्यू कितनी आ गई 1 ohm की आ गई। ठीक है, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, ओके। सो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ तक जितना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है ये आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करना है, इसमें कोई भी चीज़ें होंगी वो कॉमेंट में आप बता दीजिएगा, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप लोग अपने पहले से पढ़ के रखते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करिएगा। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, और फिर इसके बाद हम लोग जो है आगे के जो टॉपिक्स हैं हमारे उनको कवर करेंगे, जो कि होगा रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से फॉर्म होंगे, तो जितना प्रैक्टिकली हो सके आप इतना इसको पढ़ लीजिएगा,
बाकी जो कोई दिक्कत होगी वो हम आगे देख लेंगे। आगे मेरी बात समझ में, वो बाकी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको अच्छे से लगा लीजिएगा। ओके ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।